ई मित्र ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आज हम जानने वाले हैं कि ई मित्र से जब भी हम जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, ईडब्ल्यूएस, अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र या फिर सामान्य वर्ग का जाति प्रमाण पत्र वो हम ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आवेदन के बाद आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है, तो उसके बाद आपको प्रमाण पत्र की प्रिंटआउट निकालनी होती है। तो आप प्रमाण पत्र की प्रिंट आउट किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से ऑनलाइन आप उसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसकी जो स्टेशनरी होती है उसके ऊपर प्रिंट करके देंगे। तो स्टेशनरी किस प्रकार की होती है अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस प्रकार की स्टेशनरी होती है, इस प्रकार के पेज होते हैं जो कि आपको अपनी LSP से मिलते हैं। तो इस पेज पे आपको प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर को देनी है और आपका काम यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो डाउनलोड करना प्लस प्रिंट करना, तो ये दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं कि किस प्रकार से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालेंगे। तो प्रमाण पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालने के लिए सबसे पहले आप अपने ई मित्र पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे, उसके बाद यूटिलिटी टाइप सर्विस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रिंट। जैसे ही सिंपली आप प्रिंट टाइप करेंगे तो प्रिंट से संबंधित जितनी भी सर्विस है वो दिखाई देंगी। तो यहाँ पे प्रिंट टाइप करना है और यहाँ पे जब आप प्रिंट टाइप करेंगे तो उसके बाद आपको एक टोकन नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो टोकन नंबर आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो मैंने स्टेटस देखने का वीडियो बताया था, उसके अंदर आप स्टेटस देंगे तो वहाँ पे आपको टोकन नंबर मिल जाएंगे। तो उस टोकन नंबर की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बाद आप टोकन नंबर निकालने के बाद यहाँ पे आके प्रिंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली डिजिटल साइन सिग्नेचर सर्टिफिकेट, ये वाला ऑप्शन है, आप उसके बाद यहाँ पे ये ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे टोकन नंबर आप दर्ज करेंगे जो कि आपने स्टेटस के अंदर से निकाले हैं, फिर A4 साइज ले लेंगे, फिर गेट बिल डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से प्रीव्यू दिखाई देगा जिसकी आप जांच करेंगे कि डिटेल सही दिखाई दे रही हैं या फिर नहीं, फिर ऐड बिल फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बिल पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे, कस्टमर के मोबाइल फ़ोन संख्या आप यहाँ पे दर्ज करेंगे जो कस्टमर यहाँ पे प्रिंट करवाने आया है, जिसका ये प्रमाण पत्र है, कोई सा भी हो सकता है, जाति, मूल, EWS है, खाद्य सुरक्षा योजना का प्रमाण पत्र है, तो सभी इसी प्रकार से प्रिंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप डाल देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आ जाएंगे, पे बाई वॉलेट पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे ई मित्र वॉलेट से 20 रुपये का टोकन कट जाएगा। टोकन कटने के बाद आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही इस प्रकार से प्रमाण पत्र ओपन होगा, डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड करके सेव कर लेंगे। फिर यहाँ पे जाके उस लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पे आपने इसे डाउनलोड किया, फिर इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप इसकी प्रिंटआउट निकालेंगे, प्रिंटआउट निकालने से पहले सिग्नेचर वेरीफाई कर लेने हैं, सिग्नेचर वेरीफिकेशन का वीडियो पहले ही बना हुआ है। फिर आप A4 लेंगे, कलर लेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करते ही इसकी प्रिंटआउट निकाल जाएगी। तो यहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाई करना अनिवार्य होता है, तो इसका वीडियो पहले ही बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक अवेलेबल है कि प्रमाण पत्र डाउनलोड करने के बाद सिग्नेचर वेरीफाई किस प्रकार से किए जाते हैं। तो ये तरीके था प्रमाण पत्र को डाउनलोड करना और उसकी प्रिंट आउट निकालने का। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।